बीसीए वाले स्टूडेंट पूछ रहे सी इनके बीसीए लई की ऑप्शन है, की गाइडेंस है, केड़ा एडिशनल देना पड़ेगा, केड़ा नहीं देना पड़ेगा। बीसीए ग्रेजुएटली जो डायरेक्शन लिखी है वह है ग्रेजुएट, बीसीए ग्रेजुएट में ऑप्ट पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो थोड़ा बनता ही है हर हालत में, वन सब्जेक्ट यही मेजर सब्जेक्ट बनेगा थोड़ा, ओके। एंड अदर सब्जेक्ट में भी पैडागोजी ऑफ मैथेमैटिक्स, जेकर तुसी अदर मेन माइनर हो गया, ये माइनर हो गया, माइनर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया, जे तुसी वन ईयर पढ़िया है, ओके, जहाँ वन लैंग्वेज होएगी, इंग्लिश हो सकती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत है, पर तुसी पंजाब विच जे हो ता इंग्लिश या पंजाबी ही इहदे चो ही नॉर्मली चुनोगे, क्योंकि हिंदी तुसी एक साल नहीं पढ़ी होएगी, जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी किसी ना किसी तरीके ना जा किसे तुसी अपनी उहदे विच पढ़ी हुई हुंदी है। सो इस तो इलावा जड़े बी ई बी टैक वाले इन्हों भी दो सबजैक्ट जिन्हें के मैथमैटिक्स कंप्यूटर की ऑप्शन दिती जाती है, पर इतने ज़्यादा जरूरी तो ये है कि असी हुण की चूज़ करना है उस दी गल कर लीए। सो बी सी ए दियाँ डायरैक्ट जो दो ही इंप्लीकेशन दसिया गई हैं, कंप्यूटर एजुकेशन फर्स्ट हो गई और सैकेंड हो गई लैंग्वेज, दूसरी हो गई कंप्यूटर एजुकेशन एंड मैथ्स। हुण ये जरूरी है इत्थे जाके समझ लीए, इस तो इलावा तुहाडे को कोई ऑप्शन नहीं है। लैंग्वेज दी ऑप्शन है कि मैं इंग्लिश जां तुसी पंजाबी जां होर कोई लैंग्वेज लै सकते हो। हुण जे तुसी कंप्यूटर तां मेन लै लिया, कंप्यूटर प्यूटर ये हो गया तुहाडा मेजर सब्जैक्ट, माइनर केड़ा लेना है, दो ऑप्शन बनदियां हन, एक तुहाडी बनती है मैथ्स, दूसरी बनती है तुहाडी लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज विच्चों दो अगे बनदियां हन इंग्लिश, इंग्लिश दे नाल तुहाडी दूसरी बनती है पंजाबी, ओके, पंजाबी ते इंग्लिश। हुण कंपैरिजन ये करना है कि तुसी अपने केड़े सब्जेक्ट एडिशनल किते जान के एलिजिबल हो जाओ गवर्नमेंट जॉब लई। मैथ जे तुसी करदे हो ते तुहानूं इहदा डिफिकल्टी लैवल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इकट्ठे दो समेस्टर विच पेपर देने पैंदे हन, डिफिकल्टी लैवल, ओके, ये ज़्यादा लगेगा। जे तुसी ये देखना है कि मैं कर सकता हाँ जा नहीं कर सकता, इसलिए तुसी सिलेबस देखो अपनी यूनिवर्सिटी का जिथे तुसी देना है, जे तां भी नहीं पता लगता उसदे जिहड़े हन बुक जरूर देखो जिहड़ी औखी लगती है कि सॉल्व कर सकते हो। जे इस तो इलावा तुसी मैरिट लिस्ट पिछली देखो ते वो मैथ वाले बच्चों की जा, लेकिन नहीं देखी जा सकती, अलग तो नहीं होएगी, मैथ वाले बच्चों ना गल की जा सकती है। सो ईजी थोड़े लिए की रहा है बी सी ए वाले इंग्लिश या पंजाबी, कारण की है कि मैथ का जोड़ा पेपर है शायद हर यूनिवर्सिटी ना लेंदी हो, हजे तक मैं पता नहीं किया, तो इंग्लिश ते पंजाबी जा लैंग्वेज हिंदी का पेपर हर यूनिवर्सिटी लेंदी है, ये पेपर देने सौखे भी हैं, ते ये पेपर मेरे ख्याल नालों नाल बी एड दे भी तुसी दे सकते हो, कई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कई। सो ये नालों नाल करके तुसी हुण कंप्यूटर लई एक टी जी टी लई सीधे एलिजिबल हो गए हो, ठीक है, जे एम सी ए कर लेंदे हो, ठीक, एम सी ए कर लें, तुसी पी जी टी लई भी इहदे नाल कंप्यूटर लई एलिजिबल हो गए, जे तुसी इंग्लिश करते हो तां तुसी टी जी टी लई एलिजिबल हो गए हो, जे तुसी एम ए इंग्लिश नाल कर ली है ते तुसी पी जी टी लई एलिजिबल हो जाओगे, इस तरह पंजाबी करते हो तो टी जी टी लई एलिजिबल हो जाते हो। ते हुण मैथ्स तुहाडे लई करना औखा है, खुद देखना है जे मैथ्स रख सकते हो, इस तरह मैथ जदों रख लेंदे हो 3 साल का मैथ तुसी कर लेंदे हो, उस तो बाद तो ही टी जी टी लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिवें इंग्लिश ते पंजाबी लिए हुंदे हाँ। तो मोस्ट जिहड़े कॉम्बीनेशन तुहाडा सौखा तो वह बनता है, कंप्यूटर ते लैंग्वेज का ही बैटर बनता है। बाकी इस तो इलावा तुहानूं होर कोई गाइडेंस चाहीदी होवे उह तुसीं वक्खरे तौर पर वीडियो देख सकते हाँ, वह फैक्टर मैं दसे हुए ने कि माइनर सब्जेक्ट चूज़ करते हुए जिहड़ा तुसीं 1 साल 2 साल पढ़िया है वह किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए है, लिंक नीचे दे दांगा। मेन वो गल्लां की ने कि इन्हां विच्चों तुसीं कंफर्टेबल किहदे च फील करते हो, नॉलेज किहदे विच ज़्यादा है, कारण ये क्या है कि तुसीं टी ई टी देना है, टी ई टी दे विच 60 क्वेश्चन तुहानूं उस सब्जेक्ट दे आने हन, इत्थे मैथ ते साइंस दे आणगे। देखो जे तुसीं मैथ लेंदे हो टी ई टी दे विच 45 क्वेश्चन जिहड़े ने 15 आ गए पैडागोजी ऑफ मैथमैटिक्स ते साइंस दे, 45 मैथ्स ते साइंस दे, और ये अद्धे जे मैथ्स दे आए अद्धे साइंस दे आए, हुण साइंस दे की सॉल्व कर लोगे तुसीं,
दूसरी गल है ये सिलेक्शन टेस्ट विच 150 क्वेश्चन ही तुहानू इहदे पुछे जाने आ, कलर चेंज कर लईए, 150 क्वेश्चन ही इहदे पुछे जाने आ। की तुसी उस लई कंपीट कर पाओगे, की कंप्यूटर तो मैथ आया तां कंपीट कर पाओगे, जां जिहड़ा मैथ वाला ऑलरेडी है जिसने मैथ्स थ्रू आउट पढ़िया होया है ग्रेजुएशन च एज इलेक्टिव वह वधिया तुहाडे तो कंपीट कर पाएगा, दैट इज़ वाई। इस तो इलावा तुसी देखो मैं इंग्लिश ते पंजाबी चो कंपैरिजन चो किहड़ा कंपीट कर पावांगा, इंग्लिश ते पंजाबी विच कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज हैं और लैंग्वेज ऑप्शन विच नहीं है, लैंग्वेज TET विच पहला साइकोलॉजी CDP का एक पेपर होंदा है 30 क्वेश्चन का, फिर 30 जिहड़े ने दो लैंग्वेज चूज़ करनियां होंदियां हन, नॉर्मली असीं इंग्लिश ते पंजाबी करते हाँ, हिंदी भी कर सकते हाँ, उहदे विच 30-30 क्वेश्चन होंदे हन। जिहड़ी स्ट्रीम है वह तुसीं साइंस या सोशल साइंस चूज़ करदे हो। हुण कंप्यूटर वालियां नूं दोनों ही ऑप्शन बनदियां, हुण उह SST पढ़ के भी दे सकते हैं, ये गल याद रखन योग है, तो वह साइंस पढ़ के भी दे सकते हैं, इस नाल PTET दा उहदा कोई संबंध नहीं, तुहाडा पास होना चाहिए है, पर तुसीं सॉल्व तां ही क्वेश्चन कर पाओगे जेकर तुहाडी ऑलरेडी मास्टरी उहनां ते है, इसलिए इन्हां दा संबंध इस तों इलावा है, लेकिन इस सबजैक्ट का संबंध टैट नाल सीधा बनता है। PSTET दे मैं वक्रे तौर पर दस दाँगा, PSTET ने पहली बार इस तरह किया है, CTET विच दो ही कैटागरी बनदियां हन, एक साइंस स्ट्रीम बनती है, साइंस जिस विच साइंस ते मैथ्स होंदा है, ठीक है, इस दे 60 क्वेश्चन होंदे हन, दूसरी सोशल साइंस की स्ट्रीम है जिस विच 60 क्वेश्चन होंदे हन। PSTET ने की किया है, साइंस मैथ की स्ट्रीम भी रखी है, सोशल साइंस भी रखी है, म्यूजिक भी रख दी है, ओके, इस तरह मैं याद नहीं है केड़ियां ने 3-4-5 स्ट्रीम्स रखतियां है कि तुहानू उस स्पैसीफिक सबजैक्ट दे 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पैणगे। ये हो गई एक मैथ साइंस स्ट्रीम, ओके, मैथ साइंस स्ट्रीम, एक हो गई सोशल साइंस स्ट्रीम, एक हो गई म्यूजिक और दूसरा उर्दू स्ट्रीम, संस्कृत कृत स्की स्ट्रीम, ओके, इस तो इलावा आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई, PSTET की गल कर रहा हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गई, होम साइंस, सो ये स्ट्रीम्स ने इना दे रिगार्डिंग क्वेश्चन किन्ने पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुहाडी केड़ी स्ट्रीम है, BCA दे हो तुसी तां नैचुरली तुहाडी कोई कैटागरी नहीं बनती, ये कैटागरी बन रही है जिहड़ियां पहलियां पुरानियां CTET ते बाकी स्टेट विच है, एक ते दो इन्हां विच्चों तुहानू कोई चूज़ करना पएगा, मोस्टली SS नूं ही चूज़ करदे ने, इहदे विच 4 सबजैक्ट आ जांदे ने, हिस्ट्री, पोलीटिकल, जोग्राफी एंड इकनोमिक्स, ओके, सो इहदे विच्चों गुजर के जाना पैंदा है जदों असीं PSTET देना हुंदा है। तुसीं इस नूं अपने मन विच रख सकते हो कि ये फैक्टर हन जदों मैं माइनर चूज़ करना है तो इन्हां गल्लां दा ख्याल रख सकदा हां। थैंक यू।